आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। दिव्यांग महिला के साथ रात्रि में घर का ताला तोड़कर घर अंदर घुसकर बलात्कार करने वाला आरोपी 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार। जांजगीर जिला चांपा के डभरा थाना का मामला। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका दिव्यांग एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि जो घर में अकेली रहती है, माता पिता का देहांत हो चुका है, जो कमर से दिव्यांग है, बायां आंख दिखाई नहीं देती है, जिसको ग्राम छूही पाली का गोविंदा महंत दिनांक 12 सितंबर 2021 के रात्रि करीबन 11 बजे से लगभग मेरे घर आया, खाना खाकर सो गई थी, घर के दरवाजा में सोने के पूर्व अंदर से ताला लगाई थी, ताला को तोड़कर वो हमारे घर अंदर घुसकर अपनी नियत खराब कर मेरे बगल में आकर लेट गया और मेरे शरीर को छूने लगा। मैं जाग गई, देखी गोविंदा महंत था, मैं उसे देखकर उठकर भागने का प्रयास करने लगी, वह मुझे पकड़ लिया और जबरन कर मेरे साथ बलात्कार किया। इसके बारे में अगर किसी को बताई तो जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकल भाग गया। रिपोर्ट पर थाना डभरा में अपराध क्रमांक 385/2021 धारा 376-2 के 376-2 F 376-2 N 376-450-506 B भारतीय दंड विधान अपराध पंजीबद्ध किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विवेक शुक्ला, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय डभरा से श्री बी एस खुटिया के कुशल मार्गदर्शन में अपराध पंजीबद्ध होने के तुरंत बाद थाना डभरा उप निरीक्षक गोपाल सतपति का टीम तैयार कर आरोपी पतासाजी पर टीम रवाना किया गया। करीबन 2 घंटा के अंदर आरोपी गोविंदा दास महंत पिता मंगल दास महंत उम्र 36 वर्ष साकिन छूही पाली थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा को घेराबंदी कर सकराली से पकड़ा गया, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाया गया तथा पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक डी आर टंडन, उप निरीक्षक गोपाल सतपति, आरक्षक भुवनेश्वर गर्ग, आरक्षक दीपेंद्र मधुकर, आरक्षक हरीश चंद्र, आरक्षक श्याम कुमार सांते, महिला आरक्षक शीला कश्यप का विशेष योगदान रहा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।